अगली खबर में बात करते हैं पितरों को लेकर, जहां अनेक जन्मों का पुण्योदय होने पर ही हमें यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। इसके बावजूद यदि हम पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका असर हमारे पितरों पर भी पड़ेगा। माता पिता भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन हम उन्हें प्रसन्न करने के कई तरीके अपनाते रहते हैं। याद रहे कि जब तक कर्मों में पुण्य का अंश नहीं होगा, भगवान पुष्प वर्षा करने नहीं आएंगे। अपने पितरों के लिए हम प्रतिदिन निर्मल मन से अगरबत्ती और दीपक ही लगा दे तो जाने अनजाने में उनके प्रति किए गए दोषों से हमें मुक्ति मिल सकती है। श्राद्ध पक्ष में दान धर्म और जरूरतमंदों की मदद करने से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। यह बात आचार्य पंडित पवन तिवारी ने बड़ा गणपति स्थिति हंसदास मठ में कही। वे श्रद्धा सुमन सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे निःशुल्क तर्पण अनुष्ठान में मोक्षदायिनी भागवत कथा के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। अनुष्ठान में हंसदास मठ संस्कृत विद्यापीठ के वेद पाठी विद्यार्थियों सहित करीब 600 साधकों ने तर्पण किया। वेद पाठी बालकों ने मठ के संस्थापक स्वामी हंसदास की स्मृति में विशेष तर्पण किया। परशुराम महासभा के पंडित पवन दास शर्मा विशेष अतिथि थे। महापौर पुष्य मित्र भार्गव एवं अन्य अतिथियों के भगवान हरि विष्णु के पूजन एवं आरती में भाग लिया। महापौर ने कहा कि यह पावन आयोजन हम सबके लिए प्रेरणा तथा ज्ञात अज्ञात दिवंगतों की आत्म शांति और मोक्ष के लिए अद्वितीय आयोजन है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सर्व पितृ अमावस्या पर तर्पण हेतु विशेष प्रबंध किए गए थे। समिति के अध्यक्ष मोहन लाल सोनी एवं संयोजक हरि अग्रवाल ने बताया कि सर्व पितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में हंसदास मठ पर विशेष प्रबंध किए गए। जिन साधकों को अपने परिजनों के दिवंगत होने की तिथि याद नहीं है अथवा जो अभी तक किसी कारण से तर्पण नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह दुर्लभ अवसर था। ऐसे साधक घर से स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर हंसदास मठ पहुंचे। तर्पण की सभी पूजन सामग्री एवं व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ओम